वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन फंडा। आज के इस वीडियो में हम परसेंटेज को कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 3 देखेंगे। परसेंटेज के रिसेंट 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए परसेंटेज का पार्ट 3 शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल होगा, इफ़ ए स्टूडेंट स्कोर 36% मार्क्स देन ही इज फेल्ड बाई 32 मार्क्स, बट इफ ही स्कोर्स 48 मार्क्स ही इज पास्ड बाई 64 मार्क्स, फाइंड द टोटल मार्क्स। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई विद्यार्थी है जो किसी एग्जाम में 36% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो वो 32 मार्क्स से फेल हो जाता है। वहीं दूसरी कंडीशन क्या है, अगर वो 48% मार्क्स स्कोर कर रहा है तो उसके 64 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं। ठीक है, अब हमें टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। चलिए हम देखो पहले क्या करते हैं, अगर हमें उसके 36% मार्क्स आ रहे हैं तो वो 32 मार्क्स से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर उसके 32 मार्क्स और आ जाते तो ये पास हो जाता, मीन्स 36% मार्क्स प्लस 32 ये पास हो जाता। यहीं पे 48% मार्क्स आ रहे हैं तो उसके 64 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मीन्स अगर ये कम भी हो जाए 64 तो भी वो पास ही रहेगा। इन दोनों कंडीशन में ये पास रहेंगे, 32 एक्स्ट्रा मार्क्स आ जाएँ क्योंकि 32 यहाँ कम आए हैं और यहाँ 32 ज़्यादा है, इसलिए 32 कम भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 64 सॉरी है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 36% प्लस 32 इज इक्वल टू 48% माइनस 64। ठीक है, ये 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 48 माइनस 36% 96 इज इक्वल टू 12% इम्प्लाइज 1% इज इक्वल टू 8। 1% इज इक्वल टू 8 दैट मीन्स 100% विल बी इक्वल टू 800। ये क्या हो जाएंगे 800 हमारे टोटल मार्क्स, ये हमारे टोटल मार्क्स हो जाएंगे एग्जाम में, टोटल मार्क्स 800 होंगे। ठीक है, मतलब कुल मिला क्या कहना चाह रहा था ये, अगर उसके 36% स्कोर हो रहा है तो सवाल में दिया था कि 32 मार्क्स से फेल हो रहा है, मीन्स अगर वो 32 मार्क्स और ले आए इसमें 32 मार्क्स और ऐड कर दे तो पास हो जाएगा। ये पहली पास की कंडीशन बन गई, और फिर ये यहाँ पे 64 एक्स्ट्रा ला रहा था तो अगर ये कम भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पास ही रहेगा। तो यहाँ पे ये दूसरी कंडीशन पास की बन गई। ये दोनों कंडीशन को इक्वल कर दिया हमने, क्योंकि दोनों कंडीशन पास की है, दोनों को इक्वेट कर दी, उससे सॉल्यूशन निकाल लिया, टोटल मार्क्स आ गए हमारे 800। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं और ज़्यादा समझ में आएगा। When a student score 40% marks, then he is failed by 50 marks. But when he scores 50% marks, then he is passed by 40 marks. इसमें पासिंग परसेंटेज फाउंड हमें फाइंड करना है। ऊपर वाले में हमें फाइंड करने थे टोटल मार्क्स कितने हैं, इसमें करना है पासिंग परसेंटेज क्या होगा हमारा। चलिए देखते हैं, सेम ऊपर की तरह पहले कंडीशन में अगर हम 40% ला रहे हैं तो फेल हो रहे हैं 50 मार्क्स से, मीन्स हमें पास होने के लिए 50 और लाने पड़ेंगे, प्लस 50 कर दिया इज इक्वल टू सेकेंड कंडीशन, 50% आ रहे हैं तो हमें 40 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक कम भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 50% माइनस 40%, 90 इज इक्वल टू 10%, 1% इज इक्वल टू 9, दैट मीन्स 100% विल बी इक्वल टू 900। ये तो हमारे टोटल मार्क्स आ गए। ठीक है, 100% इज इक्वल टू 9, ये हमारे क्या आ गए टोटल मार्क्स हमारे 900 आ गए। ठीक है, अब हमें पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करना है। पासिंग परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए टोटल परसेंट हमारे आए कितने 900 मार्क्स हमारे आए टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमारा देखिए 1% आया है 9 के इक्वल, हमें निकालना है पासिंग परसेंट। जब 9 मार्क्स आ रहे हैं तो हमारा 1% बन रहा है, तो यहाँ देखो हम 50 मार्क्स से फेल हो रहे हैं तो 50 मार्क्स विल बी इक्वल टू
कितना परसेंट? 50 मार्क्स है, सॉरी, ठीक है, 50 मार्क्स विल बी इक्वल टू 50/9, दैट मीन्स 5.59%। इतना परसेंट हमें और लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, 40 हमारे ऑलरेडी आ रहे हैं, तो पासिंग परसेंट कितना बनेगा? पासिंग परसेंटेज विल बी इक्वल टू 40 ऑलरेडी आ रहे हैं प्लस ये और लाने पड़ेंगे 5.59, दैट मीन्स 45.59%, ये हमारे पासिंग मार्क्स होंगे, इतने मार्क्स आएंगे टोटल तब पास होंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है, देयर आर टू टाइप ऑफ एनिमल्स इन ए रूम, सम आर कैट्स सम आर डॉग्स, ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट्स एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट्स, इफ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाई 45 एनिमल्स, फाइंड नंबर्स ऑफ बोथ एनिमल, कितने, ये कह रहे हैं एक रूम में कुछ कुत्ते हैं कुछ बिल्लियाँ हैं, और बिल्लियाँ तो 7 बिस्किट खाती हैं हर बिल्ली, और हर कुत्ता एक 9 बिस्किट खाता है, ठीक है, टोटल 45 एनिमल्स हैं, टोटल कितने हैं 45, देखना इसमें से कुछ कैट हैं कुछ डॉग्स हैं, ये मान लिया मैंने कैट्स, ये मान लिया मैंने डॉग्स। अब देखना कैट्स खा रही हैं 7 बिस्किट्स, डॉग्स खा रहे हैं 9 बिस्किट, यानी कि इसको भी मैं 7 मान लूँ, 7+2 मीन्स, अब हम ये मान रहे हैं कि ये दोनों 7-7 बिस्किट खा रहे हैं, तो टोटल कितने बिस्किट ख़त्म होंगे अगर दोनों 7-7 खा रहे हैं, तो 45 × 7, क्योंकि 45 टोटल एनिमल्स हैं, ठीक है, 45 × 7 दैट विल बी इक्वल टू 315, टोटल बिस्किट हमारे लगने चाहिए 315, बट एक्चुअल में हमारे कितने बिस्किट लग रहे हैं 355, डिफरेंस कितना आ रहा है 315 माइनस कर दो 40 बिस्किट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, 40 बिस्किट एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो कुत्ते एक्स्ट्रा हैं, दो बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहे हैं पर कुत्ता, ठीक है, तो टोटल डॉग्स कितने हो जाएंगे, टोटल डॉग्स 40/2 = 20, तो रिमेनिंग कितनी हो जाएंगे कैट विल बी 45 टोटल है, -20 = 25 कैट हो जाएंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम सवालों कर सकते हैं, ठीक है, इसको एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं, एलिगेशन का तरीका मैं नेक्स्ट सवाल में बताता हूँ। चलिए अगला सवाल क्या है, इन ए जू इफ देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, इफ द हेड्स आर 280 एंड लेग्स आर 820, हाउ मेनी पिजन्स आर देयर, इसको हम यहाँ पे एक तरीका तो मैंने पीछे बता दिया सवाल करने का, उससे कर लेना आप, और इसको अब मैं करता हूँ एलिगेशन से इस टाइप के सवाल कैसे होते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ तो हैं पीजन्स और कुछ हैं रैबिट्स, तो पीजन्स की लेग्स कितनी होती हैं, एक पीजन की 2 लेग और रैबिट की 4, ठीक है। अब देखो हमने ये माना कि टोटल 280 एनिमल्स हैं, ठीक है, तो हमने ये माना कि सारे के सारे पीजन्स हैं, तो 280 × 2 यानी कि इसकी लेग्स हो जाएंगी 560, ये हो गए पीजन्स। अब एक कंडीशन में हमने ये माना कि सारे रैबिट्स हैं, सारे रैबिट्स होने पर 280 × 4 टोटल लेग्स कितनी हो जाएंगी 1120, ओके 1120, बट एक्चुअल में लेग्स कितनी दे रखी हैं 820, ये बीच में आ जाएगी 820, दिस माइनस दिस एंड दिस माइनस दिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 300 आ जाएगा और यहाँ पे 260 आ जाएगा, ये कट 13, ये रेशियो आ गया इनका 15:13 में, यानी 15 पीजन्स होंगे अगर तो 13 रैबिट्स होंगे, बट टोटल कितने हो गए 28, बट एक्चुअल में कितने हैं 280, तो 28 = 280 दैट मीन्स 1 = 10, दैट मीन्स पीजन्स तो हो गए यहाँ पे
15 × 10 = 150, और रैबिट्स हो गए 13 × 10 = 130। ठीक है, इस तरह से हम इनका नंबर्स ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये भी पीछे जैसे किया था वैसे करके देखेंगे, ट्राई करेंगे एलिगेशन से ट्राई करेंगे। ठीक है, जैसे आपको वैसे कर लेंगे, एक तरीके से आप ट्राई करना, एक से मैं बता देता हूँ। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज हैज 9600। इफ द मेल्स एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 8% and 5%, पॉपुलेशन विल बिकम दिस आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम, देखो एक विलेज है जिसमें 9600 टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें कुछ मेल हैं कुछ फीमेल हैं, कुछ मेल्स हैं कुछ फीमेल्स हैं। ठीक है, मेल्स की संख्या में 8% इंक्रीज किया गया है और फीमेल्स की संख्या में 5% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, तो ये इंक्रीज करने के बाद ये जो नंबर था 9600 ये इतना हो जाता है। ठीक है, अब देखो मैं इसको यहां से एलिगेशन से बताता हूं आपको। ठीक है, टोटल मेल्स में हमने इंक्रीज किया है 8%, मेल्स के नीचे 8 आ गया, फीमेल्स में किया है 5%, और ओवरऑल कितना फर्क पड़ रहा है, बीच में आता है ओवरऑल, ओवरऑल कितना डिफरेंस आ रहा है, 672 आ रहा है, क्योंकि ये इसका इसका डिफरेंस 672 है और ओरिजिनल कितना था 9600 × 100, ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अभी परसेंटेज में कितना आएगा, 7% का ओवरऑल चेंज आ रहा है, तो बीच में आ जाएगा 7%, ये 5%, ये 8%। ठीक है, दिस माइनस दिस 1 एंड दिस माइनस दिस 2 2:1 टू रेशियो वन आ रहा है, मेल रेशियो फीमेल आ रहा है 2:1। अब देखिए हम निकाल सकते हैं, टोटल 3 आ रहा है, 2:1 = 3, 3 = गिवन है हमें 9600, तो 1 = 3200। दैट मीन्स फीमेल तो हो गई 3200 और मेल हो जाएगा इसका 2 यानी कि 6400, ये नंबर ऑफ मेल्स आ गए। इस तरह से हम मेल और फीमेल निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल था इसलिए 6400 आ गया, यहाँ पे ये सिंगल एक एक की वैल्यू 3200 आई थी इसलिए 1 = 3200 करके हमने नंबर ऑफ फीमेल्स निकाल ली थी। आई होप ये सवाल आपको समझ में आए होंगे सारे, बहुत ही ईजी सवाल है परसेंटेज के। अगर ये सवाल आपको समझ में आए हो, हमारा चैनल आपको अच्छे लग रहे हो, हमारे वीडियो अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।